लोकसभा चुनाव के दौरान भी किसान आंदोलन जारी रह सकता है, इसके बड़े संकेत आज सामने आ गए। 14 मार्च को किसानों ने दिल्ली आने की नई तारीख दी है। संयुक्त किसान मोर्चा इसमें शामिल होगा। इस बीच सरकार ने गन्ने की खरीद का दाम बढ़ा दिया है और वाराणसी में दूध का नया प्लांट खोलने का भी ऐलान हुआ है। सवाल है, क्या किसानों के लिए खेती अब घाटे का सौदा है? क्या दूसरी फसलों की तरह अब अनाज को भी बाजार आधारित कर देना चाहिए या फिर MSP देकर किसानों को स्थायी समाधान की तरफ बढ़ा देना चाहिए? आज कॉलिंग कार्ड में इन सवालों पर खुलकर बात करेंगे। बात तो कर्नाटक सरकार के उस फैसले की भी करनी है आज, जिस पर नया बवाल खड़ा हो गया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के मंदिरों पर अलग से टैक्स लगाने का फैसला लिया है। जिस मंदिर की कमाई सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसे 10% टैक्स देना होगा। ऐसे फैसलों पर सियासत होना लाजमी है, हो भी रही है, लेकिन सवाल है, सरकार को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या रेवड़ियों के चक्कर में विरासत पर टैक्स लगाया गया है? क्या मुफ्त की स्कीम चलाने के लिए पैसे कम पड़ने लगे हैं? सिग्नेचर स्टोरी में सिद्धारमैया सरकार की आर्थिक सेहत का परीक्षण करेंगे। पटियाल को आज बात बच्चों के भविष्य की भी करनी है। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, बच्चों के एग्जाम जो हैं आजकल, बच्चे पेपर देने ऐसे जाते हैं जैसे कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। CBSE ने इस प्रेशर को समझा और वक्त के साथ एग्जाम के पैटर्न में बदलाव करने की प्लानिंग है। हो सकता है आने वाले वक्त में बच्चे किताब और नोट्स लेकर एग्जाम देने जाए, जहां दिक्कत लगे वहां किताब से कॉन्सेप्ट समझकर एग्जाम दें। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे नवंबर 2024 में शुरू किया जा सकता है, मगर दूसरी तरफ UP बोर्ड है जहां बिना नकल के 10वीं और 12वीं का एग्जाम करवाना ही अपने आप में जंग जीतने से कोई कम नहीं है। आज एक्सक्लूसिव में पटियाल बोर्ड परीक्षा के बदलते तरीके पर चर्चा करेगा। चर्चा उन भारतीयों की भी होगी जो पैसा कमाने के लिए रूस गए थे, लेकिन वहां धोखे से उनको बंदूक थमाकर रूस की प्राइवेट आर्मी बना दिया गया। वो किस हाल में है, कहां कहां के हैं, वापसी का रास्ता है या नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूरी पड़ताल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।